अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत के साथ और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग मैंने यहाँ से शुरू किया। यहाँ पे हम जा रहे थे आउटिंग के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा दिल था कहीं से अच्छा सा खाना खाएं और अच्छा सा हम देसी फूड डिनर करें। तो हमने डिसाइड किया यहाँ पे कि बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है, कबाब हाउस। तो हम क्यों ना आज वहाँ पे जाते हैं और उसको ट्राई करते हैं कि वो कैसा है। और मैंने साथ ही सोचा आपको उसके बारे में रिव्यू भी देती हूँ कि कबाब हाउस यहाँ पे कैसा है। तो बस हम लोग यहाँ पे चले गए थे खाना खाने, कबाब हाउस। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट तो इधर का है और अच्छा लग रहा है, और मुझे काफ़ी चीज़ें इनकी अच्छी लगी। इनकी डेकोरेशन भी अच्छी थी और इन्होंने सामने हर टेबल के ऊपर LED लगाया हुआ था, जिसमें आप लोग प्रॉपर इधर मेन्यू कार्ड नहीं उन्होंने दिए थे, दैट्स गुड कोरोना की वजह से। तो ऊपर इन्होंने हर एक टेबल के ऊपर LED लगाया था, जिसमें हर एक चीज़ की प्राइस आ रही थी, टोटल डिशेस की नेम आ रहे थे, और इस तरह हर चीज़, मतलब कि इसी से हमें सेलेक्ट करके ऑर्डर देना था। स्वीट्स के थे काफ़ी चीज़ें, वो बहुत मज़े मज़े की स्वीट्स थी। और स्वीट तो यहाँ पे उम अली बहन में वैसे ही बहुत फेमस है, और भी काफ़ी चीज़ें स्वीट में थी। साथ ही हम लोग आगे थे एपीटाइज़र में, एपीटाइज़र्स में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। हुमस तो बहुत ही अच्छी थी, हमने वो भी ऑर्डर की थी। और उसके बाद हमने ऑर्डर किया था यूकट विद कोकम्बर, क्योंकि ग्रिल था, हमारा दिल था आज बहुत ज़्यादा ग्रिल खाने का, बहुत ज़्यादा हो था, हमें क्रेज़ हो रहा था कि इधर आए और ग्रिल ट्राई करें, और यहाँ का ग्रिल वाकई ही बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया, बच्चे और हम सब बैठ के अपने फूड का वेट कर रहे थे। वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ भी लगेगी अभी काफ़ी ख़राब हुई हुई है। फ्लू फीवर पूरी फैमिली को हुआ हुआ है, तो बस ज़रा माइंड को सेटल डाउन करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए सोचा कि क्यों ना जाया जाए और अच्छा खाना खाया जाए, क्योंकि अच्छा खाना आपके मूड को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमने मंगवाए थे चिकन टिक्का बोटी और कबाब, और ये बहुत मज़े के थे। मैंने तो बहुत यहाँ पे इन्जॉय किया था। तो मैं आप सबको भी कहूँगी कि जो यहाँ पे बहन में रहते हैं और जिनका देसी फूड खाने का बहुत बहुत ज़्यादा दिल करता है, तो वो इधर ज़रूर जाए और इधर जाके ज़रूर इन्जॉय करें देसी फूड। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, वेदर फुल चेंज हो रहा है, तो ये स्टार्ट का इफेक्ट तो ज़रूर पड़ता है बच्चों पे भी, और घर में किसी एक को भी हो जाए तो पूरी फैमिली उसको मस्ट कैच करती है। तो वो पूरी फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन होता जा रहा है। और यहाँ पे हमने साथ ही मंगवाया था बटर, चिकन बटर, और चिकन बटर भी इनका काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो बस यहाँ से हमने खाना खाया। छोटा सा मैंने आज का व्लॉग बनाना था, क्योंकि आप लोगों के साथ कबाब हाउस का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। बहुत अच्छा हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, बहुत हमने इन्जॉय किया। तो आप लोगों भी में से भी जो भी बहन आए वो ज़रूर जाए और इधर आके इंजॉय करें। वेदर वैसे अभी काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से अब मज़ा आ रहा है, आप वेदर को और इंजॉय करते हो जब आप बाहर निकलते हो। ठंडी हवा, यहाँ पे बहन में ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसके बाद हम लोग सीधा के घर, और बच्चों ने अपने ड्रेसेस चेंज किए और साथ ही वो सो के, क्योंकि मॉर्निंग में उनका स्कूल था। अब मुझे दें आप लोग इजाज़त, इंशाल्लाह इस वीकेंड में ज़रूर आपसे मिलूंगी कोई न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सब न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।